ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको एनपीटीईएल असाइनमेंट से लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन डिप्लोमा इंजीनियरिंग या गेट का एग्जाम में आ सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर 1102 इसका बेस 3 है और 123 इसका बेस हम लोग को फाइंड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका बेस जो है उसको x लेंगे, तो 1102 का बेस 3 है और इक्वल टू 123 का बेस x लिए। तो इसके ऊपर हम लोग 0123 लिख लेंगे, ये पावर है। तो इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, 1 × 3³ प्लस 1 × 3² प्लस 0 × 3² प्लस 2 × 3⁻⁰। इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इस नंबर को भी हम लोग इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x² प्लस 2 × x⁻¹ प्लस 3 × x⁻⁰। और अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 3³ का, तो 27 होगा, 3² का 9 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 3² का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 2 होगा, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस। अब हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह का आएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा -7 और 5। तो बेस जो है माइनस में नहीं होता है, इसलिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर था डी वाला। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।